जय श्री ओम नमः सिद्धिव्या नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सर्वशाभूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगल में मंगल करण बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंता दि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पधिरा जाते मिले समाज सब पावे निज पधिरा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम पहले अधिकार पर मंगलाचरण पर चर्चा कर रहे थे कि मंगलाचरण में पंडित टोडरमल जी ने जिस वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया वो वीतराग विज्ञान कैसा है, उसके कारण जो पांच परमिष्टि महान हुए हैं उन पांच परमिष्टियों का स्वरूप कैसा है, कौन नमस्कार करने योग्य किस तरह से है वो भी हमने सारा देखा था। फिर अरिहंत आदि पंच परमिष्टि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है उस पर भी हमने विचार किया था। लौकिक में कैसा होता है, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है और हमें किस प्रयोजन का अर्थी होना चाहिए वो भी हमने विचार किया था। उसके बाद हमने मंगलाचरण करने का कारण क्या है, हम जो ये मंगलाचरण करते हैं वो क्यों करते हैं, उससे क्या होता है, मंगलाचरण नहीं करें तो क्या होगा, उन सारी पॉसिबिलिटीज पर हमने कल पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो भी शंकाएं थी कि कैसे कि कोई मंगल ना करे तो उसको उसका भी अच्छा होता है, वो कैसे होता है क्या है, वो हमने सारा एक पैसे वाले उदाहरण से देखा था, कमाने वाले उदाहरण से कि कमाना पैसे जो कमाना है धन का ही कारण है, तो ऐसा हमने उदाहरण के थ्रू देखा था। तो हमने ये पूरी तरह से देख लिया कि मंगलाचरण हमने क्यों किया है, कैसे किया है, किसको किया है, वो हमने सारा एक पिछली क्लासों में देख लिया। आज हमको चर्चा इस पे करनी है कि जो ये ग्रंथ है यह ग्रंथ प्रामाणिक कैसे है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो तो उसकी प्रामाणिकता जरूरी है कि हम उस ग्रंथ को पढ़ें तो उसकी प्रामाणिकता तो पता हो हमको कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है तभी हम उसको पढ़ेंगे। तो ये ग्रंथ प्रामाणिक कैसे है वो पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात कि मंगलाचरण इतना बड़ा किया है पंडित जी ने, इससे ये ख्याल में आता है कि उनके माइंड में इस ग्रंथ को लिखने का कितना वो होगा कि ये ग्रंथ कितना महान वो लिखने वाले होंगे जिसका मंगलाचरण उन्होंने इतना मान किया है, इतने ज्यादा पेजों में इतने महान तरीके से उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मंगलाचरण में हर चीज को समेट लिया, इतना अद्भुत मंगलाचरण इतने स्पष्ट और सरल शब्दों में पंडित टोडरमल जी ने किया है वो हमने अब तक देखा था। अब हम देखते हैं कि ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे है। तो पंडित जी कहते हैं देखो इस पृष्ठ पे नीचे नीचे है,
ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्धोत करते हैं। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मंगलाचरण करके, मीन्स यहाँ तक मैंने हमने मंगलाचरण किया है, इस प्रकार जैसा ऊपर बताया है अब तक, शुरू से लेके अब तक जो हमने बताया है, इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशक जो शब्द है वो कैसा है, सार्थक है। क्यों है उसका आगे बताएंगे। देखो अभी ये भी बता रहे हैं कि नाम के ग्रंथ का उद्धोत करते हैं, कि मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्धोत करते हैं, मीन्स मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का अब उदय होता है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार संसार में भ्रमण करते हुए दुखी जीवों को जो मिथ्या रूपी अंधकार से मलिन है, उससे व्याप्त हो रहे हैं, उस मिथ्या रूपी अंधकार को मिटाने के लिए मोच रूपी मार्ग का प्रकाशन करने वाला इस ग्रंथ का अब उद्धोत होता है, इस ग्रंथ का अब हम उदय करते हैं। जैसे वह सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ रूपी सूर्य उस मिथ्या रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, इसीलिए इसका ये नाम सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशक, इसीलिए मोक्षमार्ग का प्रकाश करने वाला ऐसा नाम भी सार्थक है, ऐसे ग्रंथ का अब हम उद्धोत करते हैं। फिर देखो क्या लिख रहे हैं, वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं, कि यह ग्रंथ प्रमाण है तो कैसे है, ऐसी प्रतीति कराने के लिए कि यह ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने के लिए अब वह इसका स्वरूप कहते हैं कि जो यह ग्रंथ है वो कैसा है, ये प्रमाणिक कैसे है, उसका स्वरूप कहेंगे। तो देखो पंडित जी क्या लिखते हैं, आकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं हैं। देखो आकार आदि अक्षर यानी कि जो अक्षर हैं ऐसे जो अक्षर हैं सारे, ये अक्षर कैसे हैं, अनादि निधन हैं। और जो अक्षर के नाम से ये अपिलक्षर कि जिसका कभी क्षरण नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो, ऐसे उसे कहते हैं अक्षर। तो जो ये आकार आदि अक्षर है वो अनादि निधन है, ऐसा नहीं है कि ये अक्षर किसी ने बनाए हैं, ये आ आ ई ई जितने भी अक्षर हैं ये सारे अक्षर अनादि से हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, इनका आकार जो ये अक्षर है, उन अक्षरों का आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। देखो अक्षर हैं आ आ ई ई, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के ऊपर है कि इनका आकार कैसे लिखें। दो अक्षर को मिला के भी शब्द बनता है, चार अक्षर को मिला के भी शब्द बनता है, तो इनका जो आकार लिखना है वो तो इच्छा के अनुसार प्रयोजन के अनुसार है कि कहाँ पर हमारा कैसा प्रयोजन है, उसके अकॉर्डिंग हमको कैसा शब्द यूज में लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग है। लिखना तो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। देखो आज का जो विषय है उसमें समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें कि ग्रंथ प्रमाणिक कैसे है उसको बताया है कि अक्षर आदि जो है वो तो अनादि निधन है, मैंने अपने नहीं बनाए हैं। पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं ये अक्षर लिख रहा हूँ ये तो अनादि से है, किसी के बनाए हुए नहीं है, तो मैंने भी इनको नहीं बनाया है, ये अक्षर तो अनादि निधन है, बस प्रयोजन के अनुसार लिखा है, और वो लिखा भी कैसे है उसको पंडित जी अभी आगे बताएंगे। तो जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। देखो कोई भी अक्षर आप बोलो वो तो सर्वत्र ऐसे ही प्रवर्तता है, क्योंकि कोई भी अक्षर है उसमें आ आ ई ई का खा गा गा कुछ ना कुछ तो आते ही आते हैं, जो शब्द है वो अक्षरों से ही मिलके बना है, इसीलिए
वो तो सर्वता ऐसे ही प्रवर्तते हैं, कोई अक्षर तो अनादि निधन है। इसीलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम ना है। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है सो भी अनादि निधन है। देखो क्या लिखना है, सिद्धो वर्ण समाम ना है, कि जो ये वर्ण समाम ना है, जो ये वर्ण है, जो ये अक्षर है, इनका जो समुदाय है वो स्वयं सिद्ध है। वही बात है कि वो स्वयं सिद्ध है, कि वो अनादि से है, ऐसा नहीं है उसको किसी ने बनाया, वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं ही है। तो जो ये अक्षरों का संप्रदाय है वो तो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से, देखो अक्षरों का संप्रदाय तो स्वयं सिद्ध है, और उन अक्षरों से जो पद बनेंगे, पद से जो वाक्य बनेगा, वाक्य से जो पेज बनेगा, पेज से जो ग्रंथ बनेगा, इन सब के, इस सब का नाम क्या है, श्रुत। जो अक्षरों का संप्रदाय है, जो अक्षरों से उत्पन्न, देखो सत्यार्थ के प्रकाशक, देखो पंडित जी ने ना श्रुत नाम उसको दिया कि अक्षरों का संप्रदाय तो है, जो पद है वो अक्षरों का समूह है, लेकिन कैसे पद का, जो सत्यार्थ के प्रकाशक हैं, जो सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले हैं, ऐसे अक्षरों के समूह रूप जो पद हैं, जो सत्य अर्थ का निरूपण करते हैं, सत्य अर्थ का प्रकाशन करते हैं, उस सत्य अर्थ को बताने वाले हैं, ऐसे जो अक्षरों के समूह रूप पद हैं, उन पदों के समूह का नाम श्रुत है सो भी अनादि निधन है। वो अनादि निधन कैसे है कि पहले पंडित जी ने क्या बताया कि अक्षर है वो स्वयं सिद्ध है, अक्षर है जो अनादि निधन है, और ये जो पद बने हैं वो भी किससे बने हैं, अक्षरों के समूह से बने हैं। तो अनादि निधन वस्तु से जो बना हो वो अनादि निधन ही होगा, और जो ये श्रुत बना है वो उन पदों के समूह से बना है। तो जब अक्षर अनादि निधन है तो उसका समूह जो पद है वो भी अनादि निधन है, और पदों के समूह से जो ये श्रुत बना है ये भी अनादि निधन है। देखो और अनादि निधन कैसे है, आगे बता रहे हैं पंडित जी, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है सो जीव को बतलाने वाला है। देखो जीव है, ये जा ई बा ऐसे अक्षरों से मिलके पद बना है, तो जो ये पद है वो भी कैसा है, अनादि निधन है। हमने जीव नाम सुना, उसका अर्थ क्या है, जीव जहां हमने सुना वहां उसका मीनिंग ही यह है कि जो ज्ञाता दृष्टा है, जो ज्ञायक है, जो कर्मों से रहित, जो कर्मों से रहित है, मीन्स जिसको कर्म छूते नहीं है, क्योंकि कर्म पुद्गल रूप है और पुद्गल जीव रूप होता नहीं है। तो जब हम जीव, हमने बस ये दो वर्ड सुने जीव, तो उसका मीनिंग हमारे ख्याल में आता है कि हाँ ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक स्वरूप की बात हो रही है, जो अनंत गुणों का धारी है, ऐसे जीव की बात हो रही है। तो जीव ऐसा जो अनादि निधन पद है वो जीव को बतलाने वाला है। आप अब उस जीव वर्ड को कहीं भी हम यूज में लें, किसी भी तरह से यूज में लें, लेकिन वह जीव कोई बताने वाला है कि जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, वो ऐसा ही बताने वाला है। जो ज्ञायक रूप है, जो जानने वाला है, देखने वाला है, जो अनादि निधन है, जो अनंत गुणों से युक्त है, गुण पर्याय वाला है, ऐसा वह जीव है। तो वह जीव शब्द अनादि निधन ऐसे जीव को बताने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। ऊपर बताया था कि समूह का नाम श्रुत है, अब उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया जीव वाला, तो फिर लिखा कि इस प्रकार, किस प्रकार की, जैसा जीव है तो वो जीव जो है वो जीव का सत्य अर्थ बताने वाला है। जीव कैसा है उसका वो प्रकाशन करने वाला है, सत्य प्रकाशन करने वाला है। तो ऐसे जितने भी पद हैं जो सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले हैं, उन सभी पदों का जो समुदाय है सो श्रुत्य जानना। अब देखो उसके बाद पंडित जी उदाहरण ले रहे हैं, पुनच्च और
ये तो बता दिया और उसको अभी आगे और क्लियर कर रहे हैं उदाहरण के थ्रू कि जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। जिस देखो मोती तो है, मोती तो स्वयं सिद्ध है, मीन्स मोती तो जैसे माने हम खान में से निकले हैं तो खान में तो वो पहले भी थे, तो मोती तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन जो उससे गहना बना रहा है तो कोई तो क्या कह रहा है कि थोड़े से मोतियों का एक छोटा सा गहना बना दिया, किसी ने बहुत सारे मोती लिए और एक बड़ा गहना बना दिया, किसी ने कोई किसी प्रकार मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल में देखें गहने में कि कोई कलरफुल मोती लिए, एक लाल, एक पीला, एक हरा, एक नीला, फिर वही ऑर्डर लगा दिया लाल पीला हरा नीला, तो कोई ऐसे ऑर्डर में कोई किसी तरह से कोई लाल लाल पीला पीला हरा हरा, मीन्स मोती तो सेम सिद्ध है, मोती तो जैसा है वैसा है, लेकिन अब जो व्यक्ति गहना बना रहा है उससे मोतियों को गूंथ कर वो प्रयोजन के अनुसार एक हम कहें कि जैसा उसका प्रयोजन है उसके अनुसार कोई छोटा गहना बना रहा है थोड़े मोतियों से, कोई बड़ा गहना बना रहा है बहुत मोटी मोतियों से, कोई किसी प्रकार प्रयोजन के अनुसार वह गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। देखो ऊपर क्या क्या अक्षर स्वयं सिद्ध है और पद क्या है उन अक्षरों का समुदाय वही पद है, तो वो पद भी स्वयं सिद्ध है। अब उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार, जैसे कोई थोड़े मोतियों को, बहुत मोतियों को, किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार, कोई कलरफुल, कोई कैसा, अकॉर्डिंग टू प्रयोजन वो जिस प्रकार गहना बनाते हैं उसी प्रकार जो ग्रंथ बनाया जा रहा है, जो पदों का समूह लिखा जा रहा है, कोई थोड़े पदों के छोटा ग्रंथ बना रहा है, कोई बहुत पदों का यूज लेके बड़ा ग्रंथ बना रहा है, कोई किसी प्रकार मीन्स पदों का यूज कोई किसी प्रकार ले रहा है, कोई किसी प्रकार ले रहा है, तो उसको गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। देखो पद तो पद है, कोई प्रथमा नियोग का ग्रंथ रच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो पद बन रहे हैं, कोई द्रव्यानियोग का ग्रंथ रच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पद बन रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार मीन्स प्रयोजन के अनुसार जिस प्रयोजन के अकॉर्डिंग वह ग्रंथ लिखा जा रहा है उसके अनुसार पदों का यूज लिया जा रहा है, लेकिन वो पद तो सेम सिद्ध है, वो पद हमने नहीं बनाए हैं। पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पद है वो हमने नहीं बनाए हैं, हम तो बस जैसे कोई मोतियों को कोई थोड़े कोई बहुत कोई कैसे गहना बना रहा है, वैसे ही हम भी कोई थोड़े पदों को लेके, कोई बहुत पदों को लेके, कोई कैसे कूद कर ग्रंथ बनाते हैं। देखो पंडित जी अपनी बात भी क्या कह रहा है, यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं उगता हूँ, इसीलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि मैं भी जैसा मैंने ऊपर बताया है कि कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं, यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को, असत्यार्थ पदों को नहीं, दो सत्यार्थ पद हैं, उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा छवसम है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन पदों को गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, कि जो कल्पित मेरी मति में कोई कल्पित अर्थ आया हो, कोई झूठा अर्थ आया हो, मीन्स किसी जैसे कि कोई शब्द है कोई पद है उसको मैंने नहीं समझ पाया तो मैं उसको नहीं गूंथूंगा, जो मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक हो ऐसे पदों को मैं यहाँ पर नहीं गूंथूंगा, इसीलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। ये तो पंडित जी ने अपनी बात कह दी, लेकिन इस पर ऑटोमेटिकली कोई शंका आ सकती है, तो देखो ये तो पंडित जी की शैली है,
जो एक अपने आप में अद्भुत शैली है कि श्रोता का क्वेश्चन आए उससे पहले उस शंका को उठा के उसका समाधान कर देना। ये वक्ता का विशेषपना है, ये वक्ता को इससे वक्ता का विशेषपना शोभित होता है। वक्ता का स्वरूप आगे आएगा तब उसमें देखेंगे विस्तार से ये वाली चीज भी। हम तो स्वयं ही शंका उठाना, स्वयं ही समाधान करना कि जब श्रोता जो चीज पढ़ रहा है उस समय उसके माइंड में जो शंका उठने वाली है वो शंका उसके माइंड में उठे उससे पहले उसका समाधान हो जाए। तो भाई कि पंडित जी ने कहा कि इसीलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। अब किसी की ये शंका हो सकती है कि जो ये पद हैं उन पदों की जो परंपरा है वो इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। कि हमने मान लिया कि आप उसी पदों की परंपरा को चला रहे हो, उन पदों के अकॉर्डिंग ही सत्यार्थ पद के वाचक शब्द पदों को मुद के ग्रंथ बना रहे हो, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वो सत्यार्थ पदों की ही चली आ रही है, इसका क्या प्रमाण है। तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसीलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। देखो तीर्थंकर केवल अनादि से होके आए हैं, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही हुए हैं, वो तो अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। और जो केवली हैं उनको सर्व का ज्ञान होता है क्योंकि उनको ज्ञान की पूर्णता हो गई है, क्योंकि उनको ज्ञान पूरी तरह से प्रकट हो गया है, अनंत ज्ञान रूप हो गया है, क्योंकि याना वर्ण आदि घातिया कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है, जिसके नाश होने पर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि जो उनके प्रकट हुए हैं, इसीलिए अनंत ज्ञान के द्वारा उनको सर्व का ज्ञान होता है। ऐसा कुछ बचता नहीं जो उनके ज्ञान में ना आता हो, तो उनको तो सर्व का ज्ञान है। अब सर्व का ज्ञान है तो उन पदों का और उनके अर्थों का भी ज्ञान है। जब उनको सर्व का ज्ञान है, तीन लोक तीन काल की सारी वस्तुओं को कोई ऐसी बची नहीं जो उनके ज्ञान में ना आ रही हो, तो जो ये पद हैं और जो इन पदों का अर्थ है उसका भी उनको ज्ञान है, और समीचीन ज्ञान है, पूरी तरह से ज्ञान है उनको, तो पूरा एक युगपत ज्ञान स्पष्ट झलक रहा है, स्पष्ट प्रकट हो रहा है उनका ज्ञान तो ऐसा है, तो उन पदों का अर्थों का भी उनको पूरी तरह से ज्ञान है। ये तो तीर्थंकर केवली की बात हो गई। अब पुनच और देखो पंडित जी बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, पदों की परंपरा जो है वो किस प्रकार प्रवर्तमान है अभी तक, वो उन पदों की परंपरा को बता रहे हैं। तो वो तीर्थंकर केवली है, उनको तो सभी पदों का सभी अर्थों का ज्ञान है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। अब देखो समूह शरण तीर्थंकर के द्वारा जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, देखो द्वारा कहना भी ये निमित्त कथन है कि तीर्थंकर केवली के द्वारा, दिव्य ध्वनि तो ऑटोमेटिकली योग्यता अनुसार खिड़ती ही है ना। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर केवली अपनी इच्छा से दिव्य ध्वनि को खिड़ाते हैं, उनको तो कोई इच्छा ही नहीं है, ये तो भवभागन पश्चित जो गए वसा है, ये तो भव्य जीवों के मी से ऐसा पुण्य जागा है कि वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है। भवभागन बस जो गए बसाए, कि भव्य जीवों के भाग्य का ऐसा उदय हुआ है जिसके कारण उनको दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, वो दिव्य ध्वनि तो ऐसी इसलिए खिड़ती है। तो तीर्थंकर केवली को सबका ज्ञान है पदों अर्थों का, और उन तीर्थंकर केवलियों की जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उस दिव्य ध्वनि में जो उपदेश होता है उस उपदेश से अन्य जीवों को उन पदों का अर्थों का ज्ञान होता है। देखो दिव्य ध्वनि की तो ऐसी विशेषता है कि वह सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में सहज रूप से समझने में आती है, चाहे वो कोई तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भाषा का हो, वह जिस भाषा का है उसके अकॉर्डिंग उसको वह बात समझने आती है।
दिव्य धनी की अलौकिकता की हम यदि बात करें तो वो शब्दातीत है। दिव्य धनी की अलौकिकता कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है कि सभी जीवों को, ऐसा नहीं कि किसी जीव को, जो जीव उस भाषा के जानकार हो उसी जीव को, सब जीवों को पदों अर्थों का ज्ञान हो जाता है अपनी अपनी भाषा के अकॉर्डिंग। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रतिनक रूप ग्रंथ उगते हैं। उसके अनुसार जो गणधर देव हैं वो द्वादशांग की रचना करते हैं, द्वादशांग चौदह पुल की जो रचना करते हैं तो गणधर देव उस ग्रंथ को उगते हैं। तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। और जो गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की, चौदह पुल की रचना की, उसके अनुसार जो अन्य आचार्य हैं, जो गणधर देव की परंपरा से प्राप्त है आगे आचार्य हैं, वो भी नाना प्रकार से ग्रंथादि की रचना करते हैं। लेकिन किसके अनुसार करते हैं, जो गणधर देव ने द्वादशांग और चौदह पुल के ग्रंथ गूंथे हैं उसके अनुसार। और गणधर देव ने वो ग्रंथ किसके अनुसार गूंथे हैं कि तीर्थंकर केवली की दिव्य धनी द्वारा उपदेश सुन के जो उनको पदों का अर्थों का ज्ञान हुआ है। देखो तीर्थंकर भगवान जितना जानते हैं उतना उनकी दिव्य धनी में आता नहीं, और जितना दिव्य धनी में उनके द्वारा गणधर देव ने ग्रहण किया उतना वह मुक्त पाते नहीं, उतना वह रचना कर पाते नहीं। और जितना गणधर देव ने लिखा उतना आगे आगे के आचार्य लिख पाते नहीं, क्योंकि वह स्वरूप ही ऐसा है कि वो तो अनंत है, मतलब उसको जितना कहो उतना कम है। तो जो अनंत केवल भगवान के ज्ञान में झलक रहा है उतना बता भी नहीं पाएंगे, और जितना उन्होंने बताया है, जितना गणधर देव ने ग्रहण किया है उतना वो रच भी नहीं पाएंगे। तो देखो इससे ये देखो कि हमारे पास कितना, जितना भी आया है वो कितना है, और जो आया है वो कितना सा है, ऐसा बोले कि वो कितना सा है, और जो कितना सा है वो भी कितना है, हम उसको भी यदि पढ़े तो भी हमारा कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि कल्याण करने के लिए ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा का परिणमन जरूरी है। तो श्रद्धा के परिणमन कराने के लिए सफिशियंट ग्रंथ आज भी हमारे पुण्योदय से सहज रूप से हमको सुलभ है, हमको उपलब्ध है। उनको पढ़ाने वाले, उनको समझाने वाले, उनका प्रचार प्रसार करने वाले भी उपलब्ध हैं। हर तरह से मीस कहें कि हर तरह से हमको पूरा योग मिला हुआ है, ऐसा है। तो उस ग्रंथादि की रचना आचार्य आदि गणधर देव के द्वारा रचे गए द्वादशांग चौदह पुल के अनुसार करते हैं। अब इन जो ग्रंथों की रचना हुई, जो केवली भगवान ने कहा, फिर गणधर देव ने रचा, और फिर गणधर देव से आगे की आचार्य परंपरा से जो ग्रंथ रचे गए, उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं, इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। देखो यहां तक तो परंपरा मार्ग कैसे चला कि केवली भगवान हुए जो अनादि से होते आए हैं, और अनादि से समोषण लगता आया है, और उनकी दिव्य धनी में वो उपदेश होता आया है जिसके द्वारा अन्य जीवों को भी उन पदों और अर्थों का ज्ञान हो, और उसके अनुसार गणधर देव भी अनादि से अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथों को गूंथते हुए आए हैं, और उसके अनुसार आचार्य आदि उन ग्रंथों की रचना करते आए हैं। अब कोई तो उन ग्रंथों का अभ्यास करता है, अभ्यास करने से उसको भी पदों और अर्थों का ज्ञान होता है। कोई उसको कहता है, कोई अभ्यास करता है, कोई कहता है, कोई सुनता है, तो इस तरह से जो ये पदों अर्थों का ज्ञान है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जो अभ्यास कर रहा है उसको पदों अर्थों का ज्ञान हुआ, वैसे ही जो कह रहा है उसको ज्ञान हुआ, तभी वो कह पा रहा है, क्योंकि यदि ज्ञान ही नहीं होगा उसको पदों अर्थों का तो वो कहेगा भी कैसे। तो जो अभ्यास कर रहा है, जो कह रहा है, जो सुन रहा है, उन सबको भी उन पदों अर्थों का ज्ञान हो रहा है। तो इस तरह से तीर्थंकर केवली से होते हुए वह अभ्यास करने वालों, सुनने वालों, कहने वालों तक वो परंपरा मार्ग चलता रहता है।
तो सत्यार्थ पद के धारक हैं, ऐसी श्रुत का परंपरा मार्ग चलता रहता है। और वह परंपरा मार्ग कैसा है इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है उसमें, बस वो 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक। तो उन्होंने क्या बताया अनादि से, कि अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। अब वो जो वर्तमान में भरत क्षेत्र की 24 ही है उसकी बात करेंगे, उसकी बात कैसे केवली हुए, कैसे ये परंपरा मार्ग चला, मीन्स अनादि से ये परंपरा मार्ग अब तक ऐसा चलता आया, और भरत क्षेत्र में वर्तमान काल में वह परंपरा मार्ग कैसे चला उसका वर्णन करेंगे। उस वर्णन को हम कल देखेंगे कि भरत क्षेत्र में जो 24 ही हुई, मीन 24 तीर्थंकर भगवान हुए, तो भगवान महावीर के बाद भी वह परंपरा मार्ग कैसे चला, जो इम्पोर्टेंट है कि भगवान महावीर के बाद वह परंपरा मार्ग कैसे चला, कैसे वो सत्यार्थ पद बने रहे, कैसे क्या हुआ। तो एक ग्रंथ की प्रामाणिकता का हमको वैसे आज ख्याल आया होगा, और जब हम वर्तमान के परिपेक्ष में उसको देखेंगे कि वर्तमान के परिपेक्ष में उसका परंपरा मार्ग कैसे चला, तो हमको इस ग्रंथ की प्रामाणिकता का ख्याल और आएगा, उसको हम कल लेंगे। अभी किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक ऐसा नहीं, आज की क्लास का ही, अभी तक का किसी भी क्लास का कोई भी शंका हो तो कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। अभी भी कोई शंका हो यदि, जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर। हे जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक नवानवोकार मंत्र करते हुए करेंगे।